लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सपनों के सफर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़ के नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल के रख देगी। एक आदमी जंगल से जा रहा होता है और उसके साथ में एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो गधा गड्ढे में गिर जाता है। वो गधा उस गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। वो आदमी भी अलग अलग तरीके से उपाय अपनाता है उस गधे को गड्ढे से निकालने का, लेकिन वो हर बार असफल रहता है। और आदमी हार मान के ये सोच लेता है कि वो गधा अब कभी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वो आदमी सोचता है कि इस गधे को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए, ताकि इसे कोई जानवर मारकर खा ना सके। थोड़ी ही दूर पर मिट्टी का ढेर रखा होता है। वो आदमी मिट्टी उठाकर गड्ढे में डालना शुरू कर देता है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गधे के ऊपर भी डालना शुरू कर देता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि गधा दफन होने के बजाय मिट्टी का सहारा लेकर थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू कर देता है। यानी मिट्टी के वजह से वो गड्ढा भर जाता है और गधा ऊपर आना शुरू कर देता है। दोस्तों, जहां एक और उस आदमी ने हार मानकर गधे को दफनाने का निश्चय किया कि उस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उस आदमी ने उस गधे को दफना रहा था, उसी तरीके से उस गधे की जिंदगी बच गई। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा वक्त बार बार आता है जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका कोई हल नहीं, यानी हर मुश्किल का हल है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस कहानी से आपने क्या सीखा।